आज देखते हैं अपने हाइड्रो पावर प्लांट, पहले क्या पढ़ लिया, थर्मल, दूसरा न्यूक्लियर, तीसरा हाइड्रो ना। ये सब कौन से पावर प्लांट है? परंपरागत पावर प्लांट जिन्हें अपने कन्वेंशनल पावर प्लांट के अंदर पढ़ते हैं ना। तो हाइड्रो पावर प्लांट, तो आप समझो हाइड्रो मतलब जल है ना, मतलब वही टर्बाइन के बाद का काम सेम वही रहेगा। टर्बाइन के बाद जो अल्टरनेटर, उसमें सिर्फ इतना ही चेंज होगा कि ये जो अल्टरनेटर है वो किस टाइप का होगा, टाइप का है ना, और इसमें जो अल्टरनेटर है वो किस कैसा लगा रहेगा, वर्टिकल लगा रहेगा। वर्टिकल मतलब ऊपर की डायरेक्शन में है ना। और तीसरा लो स्पीड का रहेगा, स्पीड कितनी रहेगी, 3000 वो जो अचीव कर रहा था। इसमें क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा, लो स्पीड का रहेगा, सैलिएंट बोल टाइप का रहेगा, स्पीड जो है 1000 से 1500 आरपीएम तक की रहने वाली है। ठीक है, पहली चीज ही टर्बाइन से बाद का प्रोसेस सेम ही रहेगा। यहाँ पर ही वापस अपने इकट्ठा कर सकते हैं, किसने जो भी अपना रिवर है या जो भी चीज, ठीक है, पानी वापस चला जाएगा है ना। टर्बाइन घूमेगी, टर्बाइन शाफ्ट से कनेक्टेड किससे होगी, अल्टरनेटर के प्राइम मूवर से, प्राइम मूवर रोटेट होगा और जो है अपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, आगे सब स्टेशन को दे दी जाएगी है ना। यहाँ तक तो सेम ही है, बात सब कहाँ की है, इससे पीछे कि फ्यूल जो है, जैसे अपने थर्मल पढ़ रहे थे तो क्या था, कोल था, न्यूक्लियर में यूरेनियम 235 हो गया, और यहाँ पे जो है टर्बाइन किसकी मदद से घुमाएंगे, वाटर की मदद से, पानी से है ना, वाटर से। इससे क्या करते हैं, ये क्या होगा मेरा डैम, वाटर एक्चुअली बोल सकते हैं, क्या हो गया डैम, डैम। अब देखो अभी पानी यहाँ क्या हुआ है, रुका हुआ है, तो इस पानी में क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या क्या बोलते थे इसको, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी है ना। अभी इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है क्योंकि ये रुका हुआ है एक डैम के आगे। अब क्या है, ये पूरी जो डैम को टर्बाइन से जोड़ती है उस पूरी पाइप को क्या बोलते हैं अपने, पेनस्टॉक। अब देखो इसकी मोटाई भी क्या है, कम है, इतना पानी इसके थ्रू जाता है और ये टेपर भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर पावर कन्वर्जन का डायग्राम देखें तो सबसे पहले क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, ये किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी से पानी किस पे जाएगा, टर्बाइन को क्या मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। टर्बाइन को जब मैकेनिकल एनर्जी मिली तो टर्बाइन क्या होगा, घूमेगा, रोटेट होने से अल्टरनेटर का प्राइम घूमेगा और अल्टरनेटर से हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल। पहली चीज तो ये होगी, पावर फ्लो डायग्राम जो हो गया कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी काइनेटिक में, काइनेटिक बदलेगी मैकेनिकल में, मैकेनिकल बदलेगी इलेक्ट्रिकल में, जबकि थर्मल वगैरह में क्या होगा, हीट एनर्जी बदल रही थी मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी बदल रही थी इलेक्ट्रिकल है ना। तो यहाँ स्पीड से पानी इधर जाएगा, टर्बाइन रोटेट करेगी, टर्बाइन रोटेट करते ही प्राइम मूवर घूमेगा, प्राइम मूवर घूमते ही अल्टरनेटर को जो है मैकेनिकल इनपुट मिलेगी, और उससे क्या है, अल्टरनेटर क्या करता है, आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी लेके आउटपुट में अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रदान कर देता है। यही काम है अपने, यही जो है मेन बेसिक फंडा किसका, हाइड्रो पावर प्लांट, इसको यूं भी लिख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब देख लेते हैं, ये तो वही बात, इसकी इंपॉर्टेंट चीज आती है सर्ज टैंक है ना। सर्ज टैंक क्या करता है कि जैसे पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि पानी जो पीछे से कम आ रहा हो, पानी जैसे हेड से पानी टर्बाइन पे आएगा तो पानी इसमें क्या हो जाता है, पहले स्टोर हो जाता है। अब वाटर हम की कंडीशन को
रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं अपने सर्च टैंक का। वाटर हम क्या होता है कि मान लो कभी ऐसा होता है कि पानी बहुत ज्यादा प्रेशर का है, इतना प्रेशर मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, तो वो पानी कहाँ से आ जाएगा सर्च टैंक में। और कई बार ऐसा है कि पानी का प्रेशर क्या हो रहा है कम आ रहा है और मेरे को क्या चाहिए, तो सर्च टैंक का पानी कहाँ जाएगा पेन स्ट्रोक से होते हुए प्रेशर, मतलब दो काम हो गए। अगर प्रेशर ज्यादा है तो उस प्रेशर को क्या करेगा कम करेगा सर्च टैंक में पानी जाने से, अगर प्रेशर कम है तो वो सर्च टैंक का पानी किसमें आएगा पेन स्ट्रोक के थ्रू टरबाइन पे प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो और वैसे एक शब्द बोले तो वाटर हम की कंडीशन को कौन कम करता है जो है सर्च टैंक। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्जाम हो चाहे थ्योरी आप दे रहे हो चाहे आगे कंपटीशन दे रहे हो कुछ वाटर हमें ये होता है क्या सर। हाँ वाटर हम बता दिए ना कि पानी इस टाइप से होगी कभी प्रेशर बहुत ज्यादा हो कभी कम हो जाए, ज्यादा होगा क्या होगा आप देख मैंने एयर वाल वाला आपको एग्जाम्पल दिया ना सर कि कुछ ना कुछ एयर चाहिए होती है पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, कई बार प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि पेन स्ट्रोक फटने का जो है हाँ चांस बढ़ जाता है ना। ठीक है ये चीजें इसमें इतनी चीजें लगी रहेंगी, अब पढ़ने वाली क्या चीज होती है और इसके बाद क्वेश्चन होते हैं जो हाइड्रोलॉजी है ना। हाइड्रोलॉजी में क्या क्या चीज पढ़ते हैं, पहले रन ऑफ, दूसरा हाइड्रोग्राफ, तीसरा सर्च टैंक और चौथा स्पिलवे है ना। ये चार चीजें हैं जो हाइड्रोलॉजी के अंदर आती है। रन ऑफ क्या कहते हैं, अब डैम किससे भरेगा रिवर के पानी से, बरसात के पानी है ना, तो कई बार बरसात आती है सारा का सारा पानी यूज में थोड़ी आता है, कुछ पानी क्या होगा जमीन सोख लेगी, कुछ पानी क्या होगा भाप बन के उड़ जाएगा, तो पूरे जो भी बरसात हो रही है या रेन आ रही है उसमें से जो पानी काम आता है उसको क्या बोलते हैं अपने रन ऑफ है ना। यस सर ठीक है कि जो पानी सोख लिया जमीन ने या जो भाप बन के उड़ी है उसके अलावा जो पानी बचा वो क्या कहलाता है रन ऑफ। ऐसे भी बोल सकते हैं जो पानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में प्रयोग काम, हाँ मतलब जो भी अपने क्या कहते हैं पूरा चलता है ना, जो बारिश हुई रेनफॉल हुआ रेनफॉल के बाद में जो पानी मेरा इलेक्ट्रिक जनरेशन के काम आया वो क्या कहलाया मेरा रन ऑफ कहलाया। ठीक है उसके बाद दूसरा क्या था हाइड्रोग्राफ, ये क्या है लिख लो इसको, जो अपना स्ट्रीम फ्लो होता है झरना जो फ्लो होता है पानी जब आता है तो स्ट्रीम फ्लो मतलब किस टाइम कितना पानी आ रहा है और टाइम के बीच का ग्राफ जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरिएशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम क्या होता है झरना, जो पानी यहां से आ रहा है अपने को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जो लिखना चाहो तो वेरिएशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो एंड ऐसे लिख सकते हो जो ग्राफ है ग्राफ बिटवीन किस किस के वेरिएशन ऑफ स्ट्रीम फ्लो और टाइम, क्यों क्योंकि जब भी पानी की झरने की मात्रा कम ज्यादा होगी पानी की तो वो उसमें टाइम भी तो लगेगा, तो टाइम के साथ जो इसका वेरिएशन है वो क्या कहलाता है मेरा हाइड्रोग्राफ है। हाँ स्ट्रीम मतलब झरना है ना, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। सर्च टैंक आपको मैंने बता ही दिया, वाटर हम की कंडीशन को है ना तो कम करने के लिए रखता है। अब हाँ दो काम मुख्य काम दो हो गए, अगर प्रेशर कम है पेन स्ट्रोक के थ्रू टरबाइन पे तो एक्स्ट्रा पानी दे देगा प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, अगर प्रेशर ज्यादा है तो वो कुछ पानी जो है वो कहाँ चला जाएगा सर्च टैंक में चला जाएगा और उससे क्या प्रेशर जो है जितना चाहिए उतना नॉर्मल हो जाएगा। फिर चौथा क्या है स्पिल, कई बार क्या होता है डैम पे भी पानी ज्यादा हो जाता है, डैम भी एक कैपेसिटी का, कई बार सुनते हैं ना कि पीछे पानी ज्यादा हो गया तो गेट खोल दिए, सुनते हो सुना होगा कभी है ना, आप अपने जो नाली आई थी वो कैसे आई थी उसी कारण तो आई कि बांध के गेट खोल देंगे, तो कई बार एक्सेस बाढ़ की स्थिति में जब अपने जो गेट खोल देते हैं उस कंडीशन में क्या बोलते हैं अपने जो पानी अपने स्ट्रीम छोड़ दिया अपने पानी छोड़ दिया वो क्या कहलाया। बाकी आपको पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ पूरी है भेजी हुई है शायद ना, वो ग्रुप में एक बार डाल देना, वो मेरे ग्रुप डिलीट हो गया तो दोबारा एक बार ग्रुप में या मेरे को भेज देना मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये चार चीजें इसमें
इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। हाइड्रोग्राफ सर द्वारा बताना थोड़ा सा। हाइड्रोग्राफ क्या है कि जो ये पानी आ रहा है, यस सर, वो समय एक जैसा पानी तो आ नहीं सकता, जब मैं एक जैसा तो आ नहीं सकता, समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। यस सर। अब उसका फर्क क्या पड़ता है कि अगर जल पानी कम आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम प्रोड्यूस होगी, पानी ज्यादा आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो वो चीज भी देखनी जरूरी है ना कि पानी का बहाव टाइम के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है, वो क्या कहता है मेरा हाइड्रोग्राफर क्या है, ठीक है। सर झरने का पानी होता है क्या? झरना मीन्स कि जो पानी डैम से निकला और अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने तक काम में आया, है ना, वो पानी। और इन चारों को मिला के क्या बोलिए अपन ने? हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी है ना, यस सर, ठीक है। उसके बाद देख लें टर्बाइन जो अगर देखिए अपने, ये उतार लिया था? उतारा नहीं सर, उतार नहीं। चलो ये इधर वाला हिस्सा दिख रहा है वीडियो में क्या? ये दिख रहा है? हैं, नहीं दिख रहा। तो ये सर इधर वाली साइड है, ये बढ़िया था, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इससे ऊपर भी दिख रहा है, कॉर्नर ये भी दिख रहा है। हां चलो, अब क्या होता है, ये भी क्या है, कुछ टाइप जो हेड है जितना ऊपर है उसी